हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे अ सैड रिवेंज ऑफ एन इगोइस्टिक वुमेन के बारे में। इसमें मेन करेक्टर होती है एक मीडिया, उसका हस्बैंड होता है जैसन उसका हस्बैंड होता है। तो वो किसी दूसरी लेडी से शादी करने के लिए मैडन और उसके बच्चों को छोड़ देता है और वो दूसरी लेडी से शादी करता है जिसका नाम होता है ग्लोइस। और वो एक राजा की बेटी होती है और उसके पापा का नाम होता है क्रियोन, जो कि जिससे वो शादी करता है, सेकंड शादी करता है जैसन ग्लोइस से, उसका फादर होता है। तो जो मीडिया होती है वो बहुत सैड हो जाती है कि मतलब उसने उसके बच्चों को छोड़ दिया, अब उसका क्या होगा, उसने दूसरी शादी कर ली है। तो एक मीडिएटर होती है किंग की, जो ग्लोइस के फादर होते हैं किंग क्रियोन, उसकी मीडिएटर होती है। वो उस राजा के मैसेंजर जो है वो उसके घर में रहती है, तो उसके सारे बातें उसको पता होती है। तो उसको पता चलता है कि वो प्लान बना रहा है राजा मीडिया को शहर से बाहर निकालने का, क्योंकि वो ये सोचता है कि इसके पति ने मेरी बेटी से शादी कर ली है, तो अब ये मेरी बेटी को कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी, इसलिए मैं इसको इस शहर से बाहर निकाल देता हूँ। तो वो मैसेंजर होती है, उसका नाम होता है नर्स, वो आके और मीडिया बताती है कि राजा ऐसे ऐसे प्लान बना रहा है तुम्हें बाहर निकलवाने का। तो जो मीडिया होती है वो बहुत ज़्यादा सैड होती है कि अब वो मुझे बाहर निकाल देगा। जब वो ये सोच रही होती है उसी टाइम राजा वहाँ पे आ जाता है क्रियोन, और उसको बोलता है कि तुम ये शहर छोड़ के चली जाओ अभी के अभी। तो वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मैं अभी कैसे जाऊँगी, प्लीज़ आप मुझे एक दिन का टाइम दे दीजिए, मैं एक में बंदोबस्त कर लूँगी और फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो राजा बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ और एक दिन के अंदर अंदर तुम यहाँ से चली जाओ। तो अब वो जो मीडिया होती है वो ये सोचती है कि वो एक दिन यहाँ से चली जाएगी, बट जब वो सोचती रहती है तो वो ये सोचती है कि जो जैसन है, जो उसका हस्बैंड था, उसने उसके साथ इतना बुरा किया, तो वो क्या वो उसके बिना उसे बदला लिए ही यहाँ से चली जाएगी। वो सोचती है कि अब उसके पास एक दिन है और वो जैसन से अपना बदला ज़रूर लेगी। जब वो ये सोच रही होती है तभी उसके पास एथिन का एक किंग आता है और वो उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें इस राज्य से निकाला जा रहा है, मैं तुम्हें अपने राज्य में रख लूँगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो मीडिया बोलती है कैसी मदद? तो वो मीडिया जो होती है वो मेडिसिन बनाती है, तो वो उसको बोलता है तुम्हें मेडिसिन बनानी पड़ेगी मेरे राज्य के लिए, कि वहाँ पर कोई भी बीमार ना हो और किसी को भी किसी तरीके की परेशानियाँ ना हो। तो मीडिया जो होती है वो बोलती है ठीक है, मैं एग्री करती हूँ, मैं आपके लिए मेडिसिन बनाऊँगी। वो ये सोचती है चलो ठीक है, अगर मैं इस राज्य से निकलती हूँ तो मुझे दूसरे राज्य में जगह मिल जाएगी। तो जो वो अब जो मीडिया होती है वो प्लान तो बना रही होती है उसे जैसन से बदला लेने का। तो वो फिर उससे जिससे उसने दूसरी शादी करी होती है जैसन ने, ग्लोइस से मिलने के लिए जाती है और उसके लिए एक बेस्ट लेके जाती है और उसको बोलती है कि जैसन तुम्हारे लिए बना था और तुम्हारी जोड़ी भगवान ने बना के भेजी थी, तुम दोनों एक साथ बहुत लगते हो। और उसको झूठी तारीफ़ करती है बहुत सारी और उसको ब्लेसिंग दे के वहाँ से आ जाती है, ड्रेस उसके लिए दे के जाती है। तो जैसे ही वो अपने घर आती है 10 मिनट बाद उसको ये खबर मिलती है कि जो ग्लोइस है वो मर गई है और जो उसके फादर किंग हैं वो भी मर गए हैं। तो वो बहुत हैप्पी होती है और वह समझ जाती है कि जो वो उसको ड्रेस दे के आई थी वो पॉइजन ड्रेस थी और उस पॉइजन ड्रेस से वो रानी भी मर गई है और शायद उसके फादर ने भी वो ड्रेस को छुआ होगा इसलिए उनकी भी डेथ हो गई है। तो वो बहुत खुश होती है और तभी वो ये सोचती है कि जो जैसन है वो अब उसके पास दोबारा आएगा, तो उसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं जिससे जिसको जैसन से प्यार होता है वो सारी चीज़ें ख़त्म कर देती है। फिर एंड में वो ये सोचती है कि ये बच्चे भी तो जैसन के हैं जो उसके होते हैं, कि ये बच्चे भी जैसन के हैं, जैसन इनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और फिर वो अपने बच्चों को भी मार देती है। तो जैसी ये खबर उसको जैसन को मिलती है वो भागा भागा आता है अपने बच्चों को देखने के लिए और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत रोता है कि उसके एक गलत फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसको बच्चों को भी मार दिया। और उसको रोता देख के मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा उसको तसल्ली मिलती है, खुश होती है कि इस इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा किया था और आज उतना दुखी है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो उसके पास एक रथ होता है जो उसके ग्रैंडफादर ने उसको गिफ्ट दिया होता है, ड्रैगन रथ होता है, और फिर वो उस पर बैठ के वहाँ से चली जाती है। तो नॉवल का दी एंड। तो थैंक यू टू लिसनिंग माई वॉइस, थैंक यू टू ऑल।